हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्थोरॉक्सिन 100 एमसीजी टैबलेट के बारे में, क्योंकि इस टैबलेट को थायराइड का प्रॉब्लम में प्रयोग की जाती है और भी कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एल्थोरॉक्सिन 100 एमसीजी टैबलेट जो कि जीएसके कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो ₹177 हैं, जो कि एक बोतल में 120 टैबलेट अवेलेबल हैं। दोस्तों ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ पे एक थायरोक्सिन सोडियम 100 एमसीजी। दोस्तों इस टैबलेट को कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक के बारे में, ये होता क्या है। दोस्तों थायरोक्स एक हार्मोन होती है जो कि हमारे बॉडी में बनता है। हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड होती है, तो ये गले के पास थायरोक्सिन हार्मोन बनती है। आपने अक्सर सुना होगा T3, T4, TSH, ये क्या होते हैं, ये थायरोक्स हार्मोन होते हैं। ये हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। मेटाबॉलिक स्टेट हमारी बॉडी को ग्रोथ करता है, ये सब हार्मोन का काम है। लेकिन कई लोगों में क्या होता है, ये नहीं बन पाता या कम बनता है, तो मेटाबॉलिक स्टेज चेंज हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो उस टाइम पर अलग से हार्मोन दिया जाता है, यह हार्मोन टैबलेट होती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, थायराइड की कमी के दौरान दी जाती है इस टैबलेट को, मतलब कि कई लोगों में थायराइड नहीं बन पाता है या रुक जाता है, तो उस कंडीशन में बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें ये दवाई चलाई जाएगी। नंबर 2, मिक्सीडेमाकोमा की प्रॉब्लम में दी जाती है, जो कि मेंटल कंडीशन होती है, दिमाग की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो उसमें भी चलाई जाती है इस टैबलेट को। नंबर 3, थायराइड ग्लैंड में कई बार कैंसर हो जाती है, तो उसमें भी यूज करवाया जाता है इस टैबलेट को। नंबर 4, वेट बढ़ना, शरीर में कमजोरी, गले में सूजन रहना, तो ऐसे इफेक्ट देखा जाता है जब किसी व्यक्ति के बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है। तो दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स में दी जाती है इस टैबलेट को। चलिए हम बात करते हैं इसको डोज के बारे में, कैसे करें इस टैबलेट को। तो दोस्तों इस टैबलेट को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के एज, वेट और कंडीशन को देखकर डोज देते हैं। 100 MCG दिन में एक बार एक टैबलेट ली जाती है, रोज एक फिक्स टाइम पर। बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के एज, वेट, कंडीशन को देखकर डोज को घटाते भी है और बढ़ाते भी है। तो दोस्तों जो भी आपको डोज दिया डॉक्टर ने, तो उनके हिसाब से डोज लें। चलिए हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये टैबलेट आप यूज करें तो बात ध्यान रखें। नंबर 1, किसी व्यक्ति को अगर एलर्जी की समस्या हो तो वो यूज ना करें। डायबिटीज पेशेंट भी प्रयोग ना करें इस टैबलेट को। हार्ट डिजीज भी यूज ना करें इस टैबलेट को। प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज ना करें इस टैबलेट को विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। जब भी आप थायरोक्सिन टैबलेट ले रहे हैं तो आप इसके साथ एस्पिरिन नाम की टैबलेट ना लें। यूज करने पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें इस टैबलेट के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस टैबलेट के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर बाय दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, सर दर्द, हार्ट रेट बढ़ना घटना, घबराहट, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारा वीडियो एल्थोरॉक्सिन 100 एमसीजी टैबलेट के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।